और यूट्यूब चैनल, जो खबर निकल के आ रही थी कि 10 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, लेकिन अब जो है एक न्यूज निकल के सामने आ रही है। देख सकते हो कि यहाँ पर 8 तारीख का डेट है और यहाँ पर देखिए 8 तारीख आज का डेट का ये नोटिफिकेशन निकल के सामने आ रही है कि अब जो है 10 अक्टूबर को रिजल्ट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी फ्रेंड्स, मैं आपको इस नोटिफिकेशन में पूरा ए टू जेड जानकारी के साथ देने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अब रिजल्ट कब आएगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले 8 अक्टूबर आज का डेट का यह नोटिफिकेशन निकल के सामने आया है। इसमें क्या है तो देखिए, ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया का है, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि जो सात अक्टूबर के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यालय में रिक्त संबंधित कार्य हेतु 8/10/2023 को कर्मियों को उपस्थित होकर कार्य निष्पादन हेतु दिए गए आदेश के टंकन त्रुटिवश के कारण, उसमें जो है जो अपडेट निकाला गया था 7 तारीख को, उसमें त्रुटि हो गया था, मतलब गलती हो गया था, जो कि 10/10/2023 को बिहार लोकसभा आयोग पटना द्वारा परिणाम घोषित तिथि करने का निर्धारण किया जाना अंकित हो गया है। मतलब जो है उसमें गलती से 10 अक्टूबर को बिहार बीपीएससी लोकसभा का जो है रिजल्ट घोषित करना है, वो जो टाइपिंग हो गया था उस नोटिफिकेशन में वो गलती हो गया था, ठीक है ना। वस्तुतः निकट भविष्य में परिणाम आने की संभावना का स्थान पर त्रुटिवश उक्त तिथि का आंकलन हो गया है। मतलब वहाँ पर यह लिखना चाहिए था कि 10 अक्टूबर को संभावित रिजल्ट आने की तिथि है, तो उसके वजह जो है वह लिखा गया है कि 10 तारीख को रिजल्ट आएगी ही आएगी, ठीक है ना। तो वह त्रुटि था, अब जो है 10 अक्टूबर को रिजल्ट आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, यह एक संभावित है। यहाँ पर देखिएगा, बीपीएससी का परिणाम घोषित करने के निर्धारित तिथि के स्थान पर संभावित तिथि पढ़ा जाए, ये भी बोला दिया गया है कि उसमें निर्धारित करने का जो तिथि है उसको यह पढ़ना है आप लोगों की संभावित है, उस समय जो है आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, मतलब एक्सपेक्टेड डेट बताया गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है 10 अक्टूबर को रिजल्ट नहीं ही आएगी, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक तो ओएमआर ही अपलोड रहेगी। 10 अक्टूबर के बाद अब देखिए 9 तारीख की सुनवाई होनी है, मतलब कल सुनवाई होनी है, परसों 10 तारीख है, तो 10 तारीख को इतना जल्दी रिजल्ट 2 दिन में पब्लिश नहीं हो सकती है, क्योंकि 13 को फिर से सुनवाई होने वाली है, जो कि बीएड वाले की तरफ से जो याचिका दायर किया गया था वो। तो उम्मीद है कि 15 अक्टूबर के बाद ही रिजल्ट आएगी, चाहे वो 16 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर, 18, 19, 20, मतलब 15 से 20 के बीच में आपको कभी भी रिजल्ट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यही था फ्रेंड्स बिग अपडेट। उम्मीद करता हूं कि यहां पर जो है आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस चैनल के साथ आप नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के पल पल की खबर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।